नमस्कार दोस्तों, टोटल हेल्थ सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पाचन शक्ति को मजबूत कैसे करें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कैसे बनाएं। आज के आधुनिक जमाने में बहुत से लोग अपने पाचन स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और इसका नतीजा यह होता है कि उनका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और इसके कारण कई समस्याएँ जन्म लेती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, अपच, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट में मरोड़े आना, डकारे आना, पाइल्स, फिस्तुला जैसी भयानक समस्याएं। पाचन शक्ति का होना शारीरिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है तो आप जो खा रहे हैं वह शरीर को नहीं लगेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम कमज़ोर है तो शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे पोषक तत्वों की शरीर में कमी, आँखों का कमज़ोर होना, बाल झड़ना, चमड़ी का रूखी और सूखी होना, चक्कर आना, बॉडी में ऊर्जा की कमी यानी कि लैक ऑफ एनर्जी और वजन का अत्यधिक कम हो जाना या फिर ज़्यादा हो जाना यानी कि वेट मैनेजमेंट एकदम प्रभावित होना, ये सब समस्याएं आपको कभी नहीं घेर सकती यदि आपका पाचन तंत्र मजबूत है। और पाचन तंत्र को मजबूत कैसे करें, इसके लिए आपको इस वीडियो में कुछ घरेलू नुस्खे के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव टिप्स भी दी जाएगी जिसके द्वारा आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर पाएंगे। पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए घरेलू उपाय की बात करें तो अपने रसोई में रखा एक मसाला जिसका नाम है जीरा, जो कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा। जीरे में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो आपके पेट को अच्छे से साफ करेंगे, गैस की समस्याएं आपके पास भी नहीं आएगी और इसे कई तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि आप छाछ में डाल सकते हैं, इसे दही के अंदर आप मिक्स करके इसे पी सकते हैं। दोस्तों, जीरा बहुत ही बढ़िया है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और मैं आपको इसको खाने की रिकमेंडेशन देता हूँ। दूसरे उपाय की बात करें तो वह है अजवाइन। अजवाइन के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को हानिकारक टॉक्सिन से बचाते हैं, हानिकारक टॉक्सिन्स को और बैक्टीरियाज को शरीर से फ्लश आउट करते हैं और कब्ज से भी तुरंत राहत दिलाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है अजवाइन। इसके अलावा कब्ज के लिए व पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए त्रिफला व आंवले का भी सेवन बहुत ही असरदार है। त्रिफला जो कि आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने और पाचन तंत्र को इफेक्टिव और बहुत ही इफिशियंट बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। आजकल मार्केट में कई अच्छी क्वालिटी के त्रिफला चूर्ण आ रहे हैं और बढ़िया क्वालिटी के त्रिफला चूर्ण यदि आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जहाँ पर जाकर आप बढ़िया क्वालिटी के त्रिफला चूर्ण खरीद सकते हैं। ये थे कुछ उपचार या फिर कहें घरेलू टोटके जो कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस से भी राहत दिलाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर अब बात करते हैं और वह यह है कि आखिर पाचन तंत्र कमजोर क्यों पड़ता है। इसके पीछे कई कारण हैं। पाचन तंत्र में विभिन्न एसिड्स और या फिर अच्छे बैक्टीरियाज की कमी हो जाना जो कि पाचन को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। पाचन तंत्र को खाने के द्वारा पर्याप्त फाइबर्स न मिल पाना, फाइबर जो कि एक न्यूट्रिशन है, तो कब्ज की समस्या आना निश्चित है। पेट अच्छे से साफ हो इसके लिए पर्याप्त फाइबर की पूर्ति होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पाचन तंत्र को क्या क्या चीजें हैं जो कमजोर बनाती हैं। दोस्तों, इसकी बात करें तो बहुत सी आदतें हैं जो पाचन तंत्र को कमजोर बनाती है, जैसे कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है समय पर खाना न खाना। अगर आप निश्चित समय पर खाना नहीं खा पाते हैं और कभी भी और किसी भी टाइम लेट नाइट खाना खा लेते हैं तो पाचन का कमजोर होना निश्चित है। बाहर का खाना और पैकेट बंद खाना खाना यह भी पाचन को प्रभावित करता है। अगर आप बाजार का स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसका पाचन तंत्र पर यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज की आधुनिकता से जुड़े युवा जंक फूड्स और हाईफाई रेस्टोरेंट में कुछ भी खा लेते हैं जो कि शरीर के लिए गुणकारी नहीं होता है और ये चीज़ें कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज को जन्म देती है। फूड्स जैसे कि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी डाइजेस्टिव इश्यूज को जन्म देते हैं। इसके बाद का कारण है पर्याप्त पानी न पीना। पानी पीने को लेकर सामान्यतः लोग सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। अगर पर्याप्त पानी शरीर को नहीं मिल रहा है तो शरीर को बहुत सारे नुकसान होंगे और यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर को बहुत ज़्यादा फायदे भी होंगे, आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, स्किन, हेयर्स और सभी के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। खाना चबा चबा कर न खाना भी डाइजेस्ट सिस्टम को कमज़ोर बनाने के लिए बहुत ही बड़ा कारण है। अगर आप खाने को जल्दबाजी में जैसे तैसे निगल जाते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देता है। पाचन अच्छे से हो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहता है कि मुंह में लार का भोजन के साथ मिलना और भोजन का टुकड़ों टुकड़ों में टूटना, जिससे पाचन की आगे की प्रक्रिया को कम प्रेशर लगता है और पाचन तंत्र सही से काम करता है और शरीर को खाना पचाने में ज़्यादा देर नहीं लगती।
दोस्तों इसके बाद का कारण है खाने में पोषक तत्वों की कमी। खाने में शामिल पोषक तत्व शरीर के सब तंत्रों को अच्छे से काम करने के लिए बहुत ही जरूरी है और पाचन तंत्र भी उनमें से एक है। जरूरी है कि आप खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें जो आपके पेट को अच्छे से साफ कर सके। सिर्फ स्वाद के चक्कर में न पड़े, सलाद व कच्ची सब्जियों का सेवन करें जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो और दूसरे भी न्यूट्रिशंस जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स और कार्ब्स ये सभी भी हो ताकि खाना सही तरह से पचे और शरीर को भी लगे। पर्याप्त समय पर नींद न लेना यह भी डाइजेस्ट सिस्टम को कमजोर करता है। यह आज की बिजी लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी समस्या है जो पाचन तंत्रों को कमजोर करती है। अगर आपका स्लीप साइकिल गड़बड़ है तो शरीर का साइकिल भी गड़बड़ हो जाएगा और जिससे पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप रात को लेट नाइट सोते हैं यानी कि 12, 1 या 2 बजे सोते हैं तो सुबह मोशन अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। ये सब कारण है कमजोर पाचन तंत्र के, जिन पर ध्यान देकर आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी आदतें जिन्हें अपनाकर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और इनसे आपका खाना भी सही तरह से बचेगा। पहली आदत है खाने के तुरंत बाद 45 मिनट तक पानी न पीना। दूसरी आदत है सुबह 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा तक व्यायाम करना। तीसरी आदत है खाने के तुरंत बाद सोना या लेटना नहीं। चौथी आदत है खाने के बाद वज्रासन की मुद्रा का अभ्यास करना। और पांचवी आदत है सुबह खाली पेट पानी पीना 1 से 2 गिलास। इन आदतों को अपनाकर आप अपने डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और इनसे आपका खाना भी सही तरह से पचेगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जो कि था डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करने को लेकर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टोटल हेल्थ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।